पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अरति मिश्रा। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सांसद का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। पत्नी बेटों के साथ पूर्व सांसद पीजीआई में एडमिट हुए हैं। पीजीआई में सांसद की पत्नी की मौत हो गई है। एक बेटा और सांसद का पीजीआई में इलाज चल रहा है। बीजेपी से गोंडा के सांसद रह चुके हैं सत्यदेव सिंह, जिनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है और पत्नी की मौत हो गई है कोरोना से। पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया था, पीजीआई में इलाज चल रहा था और इसके बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई है। पत्नी का निधन हो गया है कोरोना से, जबकि खुद पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह और उनका बेटा इस वक्त पीजीआई में एडमिट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा से जहां पूर्व सांसद का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया और पत्नी की कोरोना से मौत हो गई। वहीं सांसद और उनका एक बेटा पीजीआई में भर्ती है, इलाज जारी है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सांसद का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। पत्नी की मौत हो गई है कोरोना से और इस वक्त सत्यदेव सिंह और उनका एक बेटा पीजीआई में एडमिट है, इलाज चल रहा है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ। नीरज, पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की पत्नी की मौत हो गई है कोरोना से, वहीं खुद पूर्व सांसद सत्यदेव भी पीजीआई में भर्ती हैं। क्या कुछ अपडेट है, कैसी हालत है इस वक्त? जी हम आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा के पूर्व सांसद हैं सत्यदेव सिंह, इनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिनको की पीजीआई लखनऊ के एचपीजीआई में एडमिट, कोविड वार्ड में एडमिट कराया था, जहां देर शाम उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और सत्यदेव सिंह और उनका पुत्र अभी भी कोरोना पॉजिटिव है, जिनका की इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना को लेकर एक बहुत ही दुखद घटना है। अभी उनके पुत्र और खुद सांसद जी, पूर्व सांसद जी अभी कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नीरज आपका।